उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को गोरखपुर कलेक्ट्रेट के मुख्यालय एवं तहसील के कर्मचारियों द्वारा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में गोरखपुर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर सातों तहसीलों के कार्यालयों में तालाबंदी कर कर्मचारी एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किए। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ 24 सूत्रीय मांग को लेकर कतारबद्ध होकर प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन भी किया और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के जिला मंत्री विश्वेश शुक्ला ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, प्रदान करो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, बेहतर विसंगति दूर करो, दूर करो, दूर करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पुरानी पेंशन लागू करो, मिनी सचिवालय घोषित करो। विश्वेश शुक्ला, मंत्री, उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर। प्रदेश स्तर पर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की लंबी 24 सूत्री मांगों के संबंध में प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिए गए आह्वान के क्रम में पहले काली पट्टी बात कर किया गया, फिर पोस्ट कार्ड प्रेषण किया गया, लेकिन सरकार ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया, जिस कारण से आज पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारी तहसीलों मुख्यालयों पर तालाबंदी करके सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं। यदि 16 सितंबर तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 16 सितंबर को GPO लखनऊ में जाकर धरना प्रदर्शन करके पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट को और सरकार को हिलाने का कार्य करेंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारी मांगों को तत्काल मानते हुए सकारात्मक रुख अपनाएं, जिससे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्थिति न आए। जय संघ।